मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए जारी किए गए इसी तरह के निर्देश के बाद आया है। सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए नूह में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में अति भारी और भारी बारिश के 2 अलर्ट जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस के किसी जवान के शहीद होने की स्थिति में सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मृतक की पत्नी और माता पिता के बीच बराबर बराबर बांटी जाएगी। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का चुनाव रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों को मौखिक नामांकन कर हाथ उठवाकर ध्वनिमत से चुना गया। सर्वसम्मति से वेद प्रकाश श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष चुना गया। गुजरात के नर्मदापुरम और जूनागढ़ में भारी बारिश से तबाही मच गई है। नर्मदापुरम में एक युवक की मौत हो गई और 11 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा, छिंदवाड़ा और सीहोर में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सागर जिले के खुरई के बड़ोदिया नौनागिर गांव के नितिन अहिरवार की हत्या और अंजना अहिरवार की संदिग्ध मौत का मामला फिर से उठने लगा है। पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से मामले में जांच करने की मांग की और अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर के एक बालिका गृह से 16 साल की नाबालिग लड़की को 6 लड़के भगा कर ले गए। इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। श्रीलंका की मेजबानी में जारी महिला एशिया कप 2024 में आज भारत का सामना यूएई से हुआ। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने यूएई को 78 रनों से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। अब भारत अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 23 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगा। श्रीलंका दौरे के लिए टीम के ऐलान के बाद से हार्दिक पांड्या सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि अपने खेल परिधान ब्रांड को लॉन्च करते हुए वह पहली बार लोगों के सामने आए। पत्नी नताशा स्टेकोविच ने अलग होने और T20 की कप्तानी से दरकिनार किए जाने के बाद यह उनका पहला पब्लिक एम्पियरेंस रहा।